कि राजा बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, राजा बनने के लिए जिस चीज की जरूरत है वह है समझ। झोपड़ पट्टी से निकलना है तो इसको गले लगाना है। ये लोग हमारी परेशानी का कारण है। डॉक्टर अंबेडकर से इतने मोहब्बत है मुझे, चांदनी की एक लाइन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और आत्मसम्मान जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर अंबेडकर की जब जयंती मनाई जाती है तो मेरे हिसाब से कैसे मनाई जानी चाहिए, हर घर में एक किताब बांटना चाहिए हर आदमी को अपने इलाके में कि ये मुक्ति वाहिनी दाता, ये उस पर लिखना चाहिए भगवान। मैसेज नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मैसेज। हर आदमी अपने इलाके में जिम्मेदारी ले ले कि हर घर में मैं एक किताब पहुंचाऊंगा। कितना बढ़िया जन्मदिन बनेगा, कितना बढ़िया मैसेज जाएगा। हर झोपड़ पट्टी के जो इलाके, हर घर में एक किताब कि ये बाबा साहब का संदेश, झोपड़ पट्टी से निकलना है तो इसको गले लगाना है। यही तो वो चाहते थे, यही तो उनका मानना था ना। तो पढ़ोगे तभी तो समझोगे। कुछ चीजें हैं जिन्हें समझना है, अगर तुम वो समझ गए डॉक्टर अंबेडकर, एक बात समझ गए कि ये जो अपर कास्ट है इंडिया में इसकी ताकत क्या है, एजुकेशन समझ गए, वो नाहक में महान नहीं बने। तुम लाइव देखो, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। वो एक बात समझ गए कि यार जो पढ़ेगा नहीं वो मजदूर, जो नहीं पढ़ेगा वो मजदूर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पढ़ाई तुम्हारे सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। बस पढ़ाई करके कोई राजा नहीं बनता। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि राजा बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। शराब की फैक्ट्री भी है तो भी राजा बनोगे। तो राजा बनने के लिए जरूरत किसकी है? समझ की। यहाँ पे तिलक लाइब्रेरी है जस्ट बगल में। मैं आज देख रहा था उनकी मूर्ति लगी है गंदी सी, सब कूड़ा करकट फैला हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वोट बैंक नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, जरूरत नहीं है। राजा बनने के लिए जिस चीज की जरूरत है वह है समझ, नॉलेज नहीं। समझ डेवलप करने का सबसे बड़ा तरीका है एजुकेशन, सबसे बड़ा एजुकेशन। तो एजुकेशन जब समझ को बढ़ा देगी तो वो आदमी अब लेबर तो करेगा नहीं, राय देगा। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। पढ़े, खूब पढ़े डॉक्टर अंबेडकर। पढ़ने के बाद उन्होंने, अब देखो समझ पैदा हुई। अब तुम्हें डॉक्टर अंबेडकर की कहानी सुना रहा हूं और उस कहानी से तुम देखना कि राजा बनते कैसे। खुद पढ़े, खुद पढ़े, बैरिस्टर हो गए, लॉयर। तो जो आदमी ज्यादा पढ़ गया, जैसे तुमने लंदन से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर ली, तो सबकी तो औकात है नहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ने का मतलब यह है कि तुम अपने आप में एक बहुत बड़ा खलीफा हो। अब उस लेवल के लोगों के साथ जब तुम बैठिए, तुम्हारी सोच बढ़ी, तुम एडवाइस देने लगे, पेपर बताने लगे। 1924 में उन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एक पार्टी बनाई, एक पार्टी बनाई। देखो समझ क्या करती है। 1924 में बनाई ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, क्योंकि भारतीय मांग रहे थे क्या, पॉलिटिकल राइट्स, कि साहब हमको और पॉलिटिकल राइट दो, और पॉलिटिकल राइट दो, और पॉलिटिकल राइट दो। तो इन्होंने पार्टी बनाई कि हम डिप्रेस्ड जो क्लास है, डिप्रेस्ड किसी जाति का नाम नहीं लिया,
डिप्रेस्ड, उसमें औरतें भी शामिल हैं, तुम ध्यान देना इस बात पे। बोले मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं। बोले यार बहुत अच्छा। 1930 में, अब देखो दिमाग समझदारी कैसे काम करती है। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, भारत की सारी पार्टियों को बुलाया गया कि बताओ क्या क्या चाहिए तुम लोगों को। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ ना, तो कांग्रेस नहीं गई थी पहले वाले में, कांग्रेस ने पहले वाले का बॉयकॉट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था। कौन कौन गया था? ये पार्टी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन गई थी, हिंदू महासभा गई थी, मुस्लिम लीग गई थी। अब अगर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर पढ़े नहीं होते तो ये समझ उनको कैसे होती कि हक मांगने के लिए राजनीतिक गलियारे में जाना पड़ता है। देखो समझ का खेल है ये। उन्होंने कन नहीं उठाया कि मत डालो सबको ना, ना, ये देखो समझ का खेल। ब्रिटानी सरकार के सामने बैठे, बोले अब क्या मांगे, तो बोले यार ऐसा करो। अब देखो आईएएस बनने का तरीका बता रहा हूं, इस कहानी से गौर से सुनना। अब मांगना क्या है, तुम रिप्रेजेंटेटिव बन के गए, अब 545 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा सारा कानून वही बनाती है, और 545 में से 400 किसी एक वर्ग से हो जाए, डिप्रेस क्लास से हो जाए, जो क्लास परेशान है उससे हो जाए। पार्लियामेंट क्या करती है, नियम बनाती है, तो जो नियम बनाती है वहां जो लोग बैठे हैं वो 400 लोग इस ग्रुप से आ रहे हैं, यानी इस ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहां बैठाना है, पार्लियामेंट में। तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि बाबूजी, रैमसे मैकडॉनल्ड प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, बोले और डॉक्टर? हाँ। बोले सर सही है, अच्छा है सर। बोले कैसे? बोले साहब वो सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए साहब। बोले अच्छा। हाँ। बोले यार तुम लोग बड़ा इंटे में परेशान हो। बोले हाँ साहब, सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए कि हमारे लोग भी साहब संसद में पहुंच जाए साहब, फिर अपने लिए कानून बनाएंगे साहब। अरे बोले देंगे यार तुमको सेपरेट इलेक्ट्रेट, कैसी बात करो, नाम लिखो भाई इनका। ये किसका परिणाम है? एजुकेशन का। एक अनपढ़ आदमी क्या करेगा, गोली चलाएगा कि इन लोगों ने हमको परेशान किया, ये लोग हमारी परेशानी का कारण है। तो शिक्षा ने क्या किया, डॉक्टर अंबेडकर की समझ का विकास किया। तो उन्हें ये सूत्र समझ में आ गया कि जिसको भी राजा बनना है उसको क्या करना है, पढ़ना है। ऐसे जिसको भी आईएएस बनना है उसको किस चीज का विकास करना है, समझदारी का। लेकिन समझदारी का विकास कैसे करोगे, पढ़ के। पढ़ाई मजा आने लगा है, डॉक्टर अंबेडकर से इतने मोहब्बत है मुझे, उस आदमी की एक लाइन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तो मेरे जितने वीडियो देखोगे ना, मुझको कौन सा चुनाव लड़ना, किसी से वोट मांगने जाना, कभी नहीं। लाइव चल रहा, लाइव, किसी से वोट नहीं भिग मांगे भैया, प्लीज वोट। जैसे आजकल सोशल मीडिया ने एक नया भिगमंगा पैदा कर दिया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। भिगमंगे जो सबसे कहें लाइक एंड सब्सक्राइब, तुम्हारी मर्जी हो तो करो, नहीं तो भागो यहां से, हटो। शिक्षा आत्मसम्मान पैदा करती है। अहंकार तब होता जब मैं तुमसे बात करने से मना कर देता, और आत्मसम्मान जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
पूरा IAS by ओझा सर अपने कानपुर में लेकर आ गए हैं दिल्ली के टॉप फैकल्टीज, जिनकी हेल्प से ना सिर्फ UPSC की बेस्ट प्रेपरेशन होगी बल्कि बेहतर गाइडेंस भी मिलेगी। इकरा IAS कानपुर में दिल्ली के कौन कौन से टॉप फैकल्टीज हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हिस्ट्री के लिए है वन एंड ओनली ओझा सर, इकोनॉमिक्स के लिए SK झा सर, इंडियन पॉलिटी के लिए संजय सर एंड ज्योग्राफी के लिए रब्बानी सर। तो ज्वाइन कीजिए NCERT एंड GS प्री का मेंस बैच, आइए इकरा IAS by ओझा सर नियर 9 नंबर क्रॉसिंग शारदा नगर अपने कानपुर शहर में यार।